कहानी का उनवान है कड़वा तेल इस कहानी के बाद आपकी बारी आएगी तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा शाहजी ने मेरे हाथ से तेलहन का थैला लेकर कोलू के पास रख दिया ठीक है मैं दरवाज़े के पास पड़े एक स्टूल पर बैठ गया कोलू किसी पायदार लकड़ी का बना था और कमरे के बीच, बीच कच्चे फ़र्श में पड़ी बड़ी कारीगरी और मजबूती के साथ गढ़ा था कोल्हू की पकी हुई पैदार लकड़ी तेल पीकर और भी पक गई थी और किसी स्याही आमेज सुर्ख पत्थर की तरह दमक रही थी उसका मुंह ओखली की तरह खुला हुआ था मुंह के अंदर से ऊपर की जानब मूसल की मानिंद एक गोल मटोल डंडा निकला हुआ था जिसके ऊपरी सिरे से जुए का एक सिरा जुड़ा था जुए का दूसरा सिरा बैल के कंधे से बंधा था जिसे बैल खींचता हुआ एक दायरे में घूम रहा था बैल जिस दायरे में घूम रहा था उस दायरे का फ़र्श दबा हुआ था कमरे के बाकी फ़र्श के मुकाबले में उस हिस्से की ज़मीन की सतह नीची हो गई थी ऐसा लगता था जैसे वहाँ कोई बड़ा सा पहिया रखकर कर ज़ोर से दबा दिया गया हो कोल्हू के मुंह में ऊपर तक सरसों के दाने भरे थे दानों के बीच मुसलनुमा नुमा डंडा मुसलसल घूम रहा था और इस अमल में और इस अमल में उसका दबाव चारों तरफ के दानों पर पड़ रहा था दाने डंडे के दबाव से दब कर चिपटे होते जा रहे थे दबे और कुचले हुए दानों का तेल अंदर ही अंदर निचले सिरे में बने एक बारीक सुराख के ज़रिए बूंद बूंद टपक कर मैले से बर्तन में जमा हो रहा था बर्तन में जमा ताज़ा तेल ऐसा लगता था जैसे बैल की पिघली हुई चर्बी हो या जैसे सोना पिघलाकर डाल दिया गया हो तेल की चमक देखकर मेरी आँखों में चमकते हुए चेहरे मालिशुदा आजा गठे हुए जिस्म, कसे हुए पुट्ठे चिकनी जिल्दें दमकती हुई लाठियाँ और जंग से महफूज मशीनों के पुर्जे चमचमाने लगे मज़बूत और चमकदार जिस्मों के साथ सेहतमंद दिमाग और उन दिमागों के ताबदार कारनामे भी उस तेल में तैरने लगे तेल के बर्तन से निगाहें निकली तो कोल्हू में जुटे बैल की जानी मबजूल हो गई बैल ऊपर से नीचे और नीचे से पीछे तक पटखा हुआ था पुट्ठा पिचक गया था पेट दोनों तरफ से धंस गया था पीठ बैठ गई थी गोश्त सूख गया था हड्डियाँ बाहर निकल आई थी कद भिजा हुआ था गर्दन से लेकर पुट्ठे तक पूरा जिस्म चाबुक के निशान से अटा पड़ा था जगह जगह से खाल उधड़ गई थी बाल नुचे हुए थे गर्दन की जिल्द रगड़ खाकर छिल गई थी दोनों सींगों की नोकें टूटी हुई थी कानों के अंदर और बाहर जिल खोर कीड़े जिल से चिमटे पड़े थे पिछला हिस्सा पैरों तक गोबर में सना हुआ था दुम भी मैल में लिपटी पड़ी थी दुम के बाल बैल के छेरे में लतपत होकर लट बन गए थे पिछले एक पाँव से खून भी रिस रहा था बैल की आंखों पर पट्टियाँ बंधी थीं नाक में नकेल पड़ी थी मुंह पर जाप चढ़ा चढ़ा हुआ था बैल एक मखसूस रफ्तार से दायरे में घूम रहा था पाँव रखने में वो काफ़ी एहतियात बरत रहा था घेरे की दबी हुई ज़मीन पर उसके पैर इस तरह पड़ रहे थे जैसे एक एक कदम की जगह मुकर्रर हो नहायत नापतोल और संभल संभल कर पाँव रखने के बावजूद कभी कभार वो लड़खड़ा पड़ता और उसकी रफ़्तार में कमी आ जाती तो शाहजी के हाथ का सोटा लहरा कर उसकी पीठ पर जा पड़ता और वो अपनी तिलमिलाहट और लड़खड़ाहट दोनों पर तेजी से काबू पाकर अपनी राह पकड़ लेता सोटा इस जोर से पड़ता कि सड़ाख की आवाज देर तक कमरे में गूंजती रहती कभी कभी तो मेरी पीठ भी सहम जाती बैल को एक मरकज पर लगातार घूमते हुए देख कर मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया और मेरी निगाह रिस्ट वॉच पर मरकूज हो गई मैंने घड़ी की सुइयों के हिसाब से चक्कर को गिनना शुरू कर दिया एक, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस चक्कर पाँच मिनट में चार सेकंड में एक गोया औसत फी चक्कर तीस सेकंड शाह जी ये बैल कितने घंटे कोलू खींचता होगा यही कोई बारह तेरह घंटे क्यों यूं ही पूछ लिया सा जवाब देकर मैं बारह घंटों में पूरे किए गए चक्करों का हिसाब लगाने लगा पाँच मिनट में दस चक्कर तो एक घंटे में एक घंटे में एक सौ बीस चक्कर और बारह घंटे में एक सौ बीस बारह बराबर चौदह सौ चालीस चक्कर अचानक मेरी निगाहें उस घेरे को घूरने लगीं जिसमें बैल घूम रहा था दस दस बीस दस तीस दस चालीस मेरे आगे दायरे की लंबाई खिंच गई बैल एक चक्कर में तकरीबन 40 फीट की दूरी तय करता है 40 जरबे चौदह सौ चालीस बराबर सतावन हज़ार छः सौ फिट मतलब सवा सत्रह किलोमीटर गोया एक दिन में सवा सत्रह किलोमीटर की दूरी अगर बैल घेरे से बाहर निकले तो रोज़ाना कमरा फैल कर मैदान में तब्दील हो गया दूर दूर तक फैले हुए मैदान में खुली फ़जाएँ जलवा दिखाने लगें सूरत की शुवाएँ चमचमाने लगें तमाम समतें नज़र आने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, चारों तरफ सब्जार उगाए खेत हरे हो गए सब्ज़े लहलाने लगे पौधे लहराने लगे शाखें हिलने लगी, सब्जा जारों के बीच पानी के सोते नदी नाले तालाब और चश्मे झील मिलाने लगे यकायक बैल के कंधे से जुआ उतर गया उसकी आँखों से पट्टियाँ खुल गईं मुँह से जा भट गया बैल खुली और रोशन फज़ा में हरी भरी धरती के ऊपर बेफिक्री और आज़ादी के साथ घूमने फिरने लगा सब्ज़ों को देख कर उसकी आँखों में हरियाली भर गई उसका चेहरा चमक उठा वो मुख्तलिफ़ समतों में बेरोक टोक घूमता मनपसंद सब्ज़ ताज़ा नर्म मुलायम पौधों पत्तों और मखमली घास को चरता चबाता जुगाली करता नदी नालों और चश्मों से पानी पीता तमाम समतों की जानिब देखता मैदान की उसतों को आँखों में भरता झूमता हुआ काफ़ी दूर निकल गया सड़क, सोटे की चोट पर जहन झंझना उठा फैली हुई सरसब धरती मेरी आँखों से निकल गई बैल कोलू खींचने लगा उसकी आँखों की पट्टियाँ लहराने लगीं लहराती हुई पट्टियां मेरी आंखों पर बंध गईं बैल के कंधे पर बंधा जुआ उसकी नाक में पड़ी नकेल घूमता हुआ कोल्हू कुचलते हुए सरसों के दाने दानों से बना खल बर्तन में जमा तेल तेल के पास खड़ा शाहजी सब कुछ मेरी आँखों से छुप गया सब कुछ अंधेरे में डूब गया अंधेरा मेरे अंदर तक घुलता चला गया मुझे हॉल उठने लगा मेरा दम घुटने लगा बेचैन होकर मैंने अपनी आंखों से पट्टियाँ झटक दी शाहजी एक बात पूछूँ पूछिए बैल की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है इसलिए कि खुली आंखों से एक जगह पर लगातार घूमते रहने से इससे चक्कर आ सकता है और एक लफ्स मैं अपने बचपन में पहुंच गया जहां हम कभी खुली और कभी बंद आंखों से खलियान के वस्त में गड़े खम्भे के चारों तरफ चक्कर लगाने का खेल खेला करते थे और खुली आंखों से घूमते वक्त अक्सर चक्कर खाकर गिर पड़ते थे शाहजी वैसा नहीं है जैसा कि मेरे जहन ने उसकी तस्वीर बना ली है शाहजी को कम से कम बैल की तकलीफ़ का एहसास ज़रूर है तस्वीर कदर साफ़ हो गई और इसे चक्कर आने का मतलब है मेरा घन चक्कर मतलब दूसरा जुमला सुनकर मैं चौंक पड़ा मतलब ये कि मैं घन चक्कर में पड़ जाऊँगा ये बार बार चक्कर खाकर गिरेगा तो काम कम होगा और काम कम होगा तो हमारा नुकसान होगा शाह जी की तस्वीर से जो स्याह परत उतरी थी दोबारा चढ़ गई मुझे इन घर चक्करों में कुछ और भी चक्कर महसूस होने लगा कई और बातें मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगी। कोलू के मुंह में पड़े सरसों के दाने मेरे क़रीब आ गए आँखों पर पट्टी बांधने की वजह यह भी तो हो सकती है कि कहीं बैल इन दानों में मुंह न मार ले और शाह जी को अपने पास से हर जाना भरना पड़ जाए कोलू का दायरा भी मेरे नज़दीक सरक आया ये भी तो हो सकता है कि कहीं बैल को ये एहसास न हो जाए कि वह बरसों से एक ही जगह पर सुबह से शाम तक घूमता रहता है और इस एहसास के साथ ही वो बगावत पर उतर आए और जुआ तोड़कर भाग निकले और ये भी कि उसे खल और तेल न दिख जाए सरसों के ज़्यादातर दाने कुचल कर खल में तब्दील हो चुके थे बर्तन में काफ़ी सारा तेल जमा हो गया था बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला शाह जी ये खल तो इसे ही खिलाते होंगे नहीं इसे क्यों खिलाएंगे ये कोई गाड़ी थोड़े खींचता है खल तो उसे देते हैं जो गाड़ी खींचता है या हल जोतता है मेरी नज़र एक बार फिर बैल के ऊपर मरकूज हो गई धँसी हुई कोख पिचका हुआ पुट्ठा दबी हुई पीठ और उभरी हुई हड्डियाँ मेरी आँखों में चुभने लगीं शाहजी ये बैल तो काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ा दिखता है इसे रिटायर क्यों नहीं कर देते नहीं बाबू साहब इसकी बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है अभी तो ये बरसों खींच सकता है फिर ये सधा हुआ है अपने काम से अच्छी तरह वाकिफ़ है इसकी जगह जवान बैल जोतने में काफ़ी दिक्कत होगी जवान बैल खींचेगा कम बितकेगा ज़्यादा इसलिए फ़िलहाल यही ठीक है मेरी निगाहें बैल की रफ़्तार की तरफ मब्जूल हो गई बूढ़ा बैल वाकई सधा हुआ था एक मुतवाजन रफ्तार से कोल्लू खींच रहा था उसके पाँव नपे तुले पड़ रहे थे कदम घेरे से बाहर शायद ही कभी निकलता था लगता था उसकी बंद आंखें शाहजी के सोटे को देख रही थी वैसे एक बछड़े को तैयार कर रहा हूँ कभी कभी उसे जोतता हूँ मगर पट्ठा अभी पुट्ठे पर हाथ रखने नहीं देता कंधे पर जुआ रखते वक्त बड़ा उधम मचाता है आंख पर आसानी से पट्टी भी बांधने नहीं देता सर झटकता है मगर धीरे धीरे काबू में आ ही जाएगा मेरी आँखों में बछड़ा आकर खड़ा हो गया लंबा चौड़ा डील डोल भरा भरा छरेरा बदन उठा हुआ पुट्ठा ऊंचा कद तनी हुई चिकनी खाल चमकते हुए साफ़ सुथरे बाल फुर्तीले पाँव बछड़े का कसा हुआ पुरकशिश जिस्म मुझे अपनी तरफ खींचने लगा मेरी निगाहें उसके एक एक अंग पर ठहरने लगी अचानक बछड़े का डील डोल बिगड़ गया कद दब गया पेट धंस गया पुट्ठा पिचक गया पीठ बैठ गई हड्डियाँ निकल आईं खाल दागदार हो गई पैरों की चमड़ी छिल गई बालों की चमक खो गई बदन गोबर में सन गया मेरे जी में आया कि मैं कमरे से बाहर जाऊं और बछड़े की रस्सी खोल दूं। ये भी जी में आया कि और नहीं तो आगे बढ़कर बैल की आँखों की पट्टी ही नोच दूं। मगर मैं अपनी घानी का तेल निकलने के इंतज़ार में अपनी जगह पर चुपचाप बैठा कभी बैल कभी कोहरू के सुराख से निकलते हुए तेल को देखता रहा और बीच बीच में सड़ाक सड़ाक की गूंज सुनता रहा